सर बहुत लेट हो गया है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है ना। और कमेंट में भी शायद उस बच्चे ने कहीं कमेंट भी किया है ये शायद यूट्यूब पे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, अब स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ाई की नहीं है, अब एकदम समय ख़त्म हो गया है, अब कैसे करूँगा, अब कितना समय बचा है, कैसे कर पाऊँगा, है ना। बड़ा डिप्रेसिंग सा मेल था, मैं उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, ना ही स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बहुत डिप्रेसिंग सा मेल था। सो व्हाट रियली द प्रॉब्लम इज, बच्चों प्रॉब्लम ये है ना कि अपना जो भी प्रेजेंट है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट पे डिपेंड होता है। आपके पास्ट एक्शंस आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो डिप्रेसिंग बात है ना, ये तो डीमोटिवेटिंग चीज है, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड सर, क्या करें, जो हो गया सो हो गया सर, अब आज कैसे सही करें। देखो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपका हर अगला एक्शन आपके पिछले एक्शन पे डिपेंड करता है। इस लॉजिक को अगर समझ जाओ तो तुम ये बात समझ जाओगे कि आज जो प्रॉब्लम है वो पिछले कामों की वजह से है। मतलब आगे अगर सही करना है तो आज को सही कर लो, ठीक है। सो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, पर यही प्रॉब्लम आगे बनी रहेगी अगर प्रेजेंट में भी मिस्टेक करोगे। So what you have in your hand is present. What you have in your hand is present. उस present को पकड़ो, उसमें काम करो ताकि future में जाके फिर यही दिक्कत ना आ जाए। इसके सिवा कोई solution नहीं है। जितना सोचोगे, जितना दिमाग लगाओगे उतना problem होगा बेटा। जितना बेटा आप दिमाग लगाओगे ना इस चीज पे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इसने ये क्यों किया वो, इसका कोई answer नहीं मिलेगा बच्चा, कोई answer नहीं। बस यही आंसर है कि आज जो हो रहा है वो कल की वजह से है और कल जो होगा वो आज की वजह से। तो हाथ में अपना आज है, उस आज को अच्छा करो, उस आज में मेहनत करो, उस आज में खुश रहो, तुम्हारा कल भी अच्छा होगा।